नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। आज अमावस्या है, सब जानते हैं आज अमावस्या का दिन है। आज हमें जितनी हो सके घर की सफाई करनी चाहिए, क्योंकि कल से नवरात्रि स्टार्ट हो रहे हैं। तो आज हम लोग हमेशा से देखते आए हैं कि एक दिन पहले घर की पूरी तरह से अच्छे से सफाई होती है, क्योंकि अधिक मास जो इतने दिन से चला आ रहा था, आज उसकी समझिए समाप्ति हो जाएगी और कल से नवरात्रि शुरू हो जाएंगे। तो आज जितना हो सके अपने घर की सफाई करिए, कचड़ा बाहर फेंक दीजिए, जो अननेसेसरी जो सामान है आपके घर में, अनवांटेड चीज़ें हैं जो पड़ी हुई हैं, उन्हें प्लीज़ आज के दिन फेंक दीजिए, क्योंकि आज अमावस्या है। तो कहा जाता है कम से कम कोई भी ख़राब चीज़ आज के दिन, जो जिसका आप यूज़ ना कर रहे हो, उसे आप घर के बाहर फेंक दें। आप रेगुलर अमावस्या को ये काम कर सकते हैं कि जो भी अननेसेसरी कोई एक सामान हो, उसे हर अमावस्या घर से बाहर फेंक दें। तो घर में आज नमक डाल के पोछा लगाएं, गंगा जल से छिड़काव करें, मंदिर की सफाई करें, पूरे घर की सफाई करें, घर धुल दें, घर पोछा लगा दें। आप ऐसा कर सकते हैं, जो कपूर होता है ना, तो कपूर से पोछा आप लगाएं। और आज जैसे शाम को, दिन में नहीं कर सकते, तो शाम को आप एक काम करिए, जो कपूर होता है उसकी, मतलब जो आरती करिए तो उसका जो धुआँ होता है पूरे घर में दिखाइए। गाय का जो कंडा होता है उस पर कपूर रखिए, थोड़ा सा जो सेंधा नमक वो डालिए और उसका पूरा घर में उसकी जो धुनि होती है दिखाइए। इससे जो हमारे घर की नेगेटिविटी होती है ना, तो वो दूर हो जाती है। आप ये कर सकते हैं। दूसरा आप क्या करें, जो पानी में थोड़ी सी हल्दी डालकर उसको, जो मेन गेट है उसको आप छिड़काव कर दीजिए, मतलब उससे पॉजिटिविटी मतलब हो जाती है, जो आपके घर का जो मेन गेट होता है वहाँ पे। हाँ, और शाम को कपूर की आरती करिए, उससे जो क्लेंजिंग होती है ना, हम लोग जैसे अपनी करते हैं, तो आज के दिन पूरे घर की आपको सफाई करनी है, क्योंकि कल आपको माता रानी की स्थापना करनी है, तो इसलिए आप ये काम ज़रूर करें। विष्णु जी की तो आज पूजा सुबह भी की ही होगी, शाम को भी विष्णु भगवान की पूजा करें, क्योंकि विष्णु भगवान की पूजा करेंगे तो माँ लक्ष्मी अपने आप ही प्रसन्न रहती हैं। तो विष्णु लक्ष्मी का पूजा तो हमेशा, लक्ष्मी नारायण की पूजा तो हमेशा करनी ही चाहिए। तो आज क्लेंजिंग का दिन है, आप घर की सफाई करिए, साफ से नहाइए, अच्छे से घर पूरा पवित्र शुद्ध करिए, शुद्ध वातावरण करिए। और हाँ, आप एक काम करिए, आज जितना हो सके दान करिए। आप किसी को भोजन अवश्य करवाएं, अगर आप बाहर हैं तो अपने खुद खरीद के, अपने वजह से कुछ खरीदिए, किसी को भोजन करवाइए, कुछ भी खिला दीजिए, जानवरों को कुछ खिला दीजिए। और हाँ, एक विशेष उपाय, गाय को आज आप अपने हाथ से बना कुछ खिलाएं। अगर आप नहीं खिला सकते तो बाहर से कुछ भी मीठा खिला दीजिए, इससे भगवान की कृपा आप पे बनी रहेगी और जैसे आपके रुके काम होते हैं ना, तो वो बनने लगेंगे। आप गुड़ भी खिला सकते हैं, या तो आप आटे का जो लोई होता है उसके अंदर गुड़ फिल करके उसे खिला दीजिए, उससे भी सही रहेगा। और आज जितना हो, शाम को बाहर ना जाएं, चौराहे तिराहे पे एकदम ना जाएं, क्योंकि मतलब जितना हो सके 5 बजे के बाद आप घर से बाहर ना ही निकले तो सही रहेगा। घर के अंदर रहेंगे तो आप सफाई भी करेंगे और जो भी है आप, हाँ आज आप पूजा का सामान खरीदने ज़रूर जाएंगे और कल से नवरात्रि स्टार्ट है, तो आज आप जाके पूजा के जितनी भी चीज़ें हैं वो आज आप खरीद लीजिए, उसे रखिए और आज मंदिर सजा दीजिए शाम रात में। और जितने भी हैं दिन, 9 दिन आप भगवान की सेवा भक्ति में समर्पित कर दीजिए, जितना हो उन्हीं की पूजा पाठ करिए और पॉजिटिव एकदम रहिए, नेगेटिव बिल्कुल ना सोचिए, खुश रहिए, सबको खुश रखिए। और हाँ, दान तो ज़रूर करें, क्योंकि जो हम खा रहे हैं तो थोड़ा अगर उसमें से दूसरों को खिला दें तो उसमें क्या आपत्ति है। तो प्लीज़ इस चीज़ को आप हमेशा याद रखिएगा, दान ज़रूर करें, भोजन लोगों को अवश्य करवाएं, चिड़िया को खाना खिलाएं, खाना मींस वो जो चावल होते हैं छत पे डाल दें, चावल के दाने या कुछ भी आप छत पे डाल सकते हैं, कौओं के लिए मीठा चावल बनाएं वो खिलाएं। ये सब आज आप आज क्या रोज़ आपको करना चाहिए। और कल आप क्या करेंगे कि अब जो मेन गेट है उस पर लाल
और जो रोरी होती है अलसिंदूर उसे स्वास्तिक बना दीजिएगा मेन गेट पे, नहीं तो जो पीली हल्दी होती है हल्दी में गंगा जल या गुलाब जल डाल के उससे भी स्वास्तिक बना सकते हैं। ये भी कर सकते हैं, पीली हल्दी में आप थोड़ा सा जो चावल होता है उसे भिगो के पीस के उसमें मिला के और फिर गुलाब जल या गंगा जल लेके उसे मेन गेट पे स्वास्तिक और या ओम कुछ भी आप बना सकते हैं। इससे भी आपके घर में पॉजिटिविटी की एंट्री रहेगी। और जितना हो सके आपको पूजा पाठ पे ध्यान रखें और कम बोलें जितना हो। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।